सिरमौर चौराहे में बन रहे फ्लाईओवर के चलते दुकानों को तोड़ने का काम भी किया जाएगा निकट भविष्य में। दुकानें न टूटे इसके लिए सिरमौर चौराहे के व्यापारियों ने लंबा अनशन किया था। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उनका अनशन तोड़वाया था। रीवा महापौर साफ तौर से व्यापारियों के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। उनका कहना है, दुकानें हमारी संपत्ति है, नगर निगम की संपत्ति है, इसे हम तोड़ने नहीं देंगे। सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के चलते बनी दुकानों को तोड़ने का जिन एक बार फिर बाहर निकला। महापौर का कहना, दुकानें नहीं तोड़ेंगे, हमारी प्रॉपर्टी। वहीं बिल्डर ने सिरमौर चौराहे के पीछे खाली जगह पर निर्माण कार्य किया प्रारंभ। साथ ही फ्लाईओवर के काम ने धीरे धीरे पकड़ा जोर। रीवा में विकास हो रहा, वह दिख भी रहा, लेकिन उसकी आँच धीरे धीरे कुछ दुकानदारों के लिए तकलीफ का सबब भी बनने जा रही है। हम बात कर रहे हैं सिरमौर चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर की, जिसका निर्माण तेज गति से प्रारंभ हो गया है, साथ ही यहीं पर बनने वाले कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य की। सिरमौर चौराहे के दुकानदारों का धरना दूसरी ओर खत्म हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह रीवा आए थे, दुकानदारों का उन्होंने धरना खत्म कराया था। उन्होंने कहा था, ये लड़ाई हम कोर्ट में भी ले जाएंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। बिल्डर का काम स्टार्ट है, फ्लाईओवर काम तेज गति से प्रारंभ है, जिसके चलते सिरमौर चौराहे के मामले को लेकर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा खुलकर सामने आ गए हैं। वो साफ तौर से कहते हैं, दुकानें नहीं टूटेंगी। आइए आपको सुनाते हैं सिरमौर चौराहे मामले में वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमसे कोई जानकारी नहीं है इसकी, अन्ना उनको नोटिस दी गई ना, अभी दुकानदारों को नोटिस 2042 तक की उनकी हमने लीज रिन्यूअल कर रखी 80 दुकानों की। हम तो उनको गिराएंगे नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है भाई। और जब तक MIC से निर्णय नहीं होगा, उसका कोई निराकरण नहीं हो सकता। आसान काम नहीं है उनको गिरा देना, उसकी अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 80 दुकानें जो बोदाबाग रोड में हैं, उसको गिराने की साजिश के तहत ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा। समदरिया बिल्डर को मॉल बनाने के लिए, जगह देने के पर्पज से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा, जबकि सिरमौर चौराहे से बोदा रोड फोर लेन है, डिवाइडर लगा हुआ है। मैंने जब भी उसका अतिक्रमण हटाया तो आवागमन कभी प्रभावित नहीं हुआ। वहाँ से सुभाष चंद तिराहे से दो रोडें निकलती हैं, एक बोदा रोड निकलती है, एक यूनिवर्सिटी रोड निकलती है। उस रोड में भी डिवाइडर लगा है विश्वविद्यालय तक, कहीं जाम की स्थिति नहीं है। जो दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों का टीन सेट बढ़ाया है, उसको मैंने दो दो बार हटवाया तो रोड एकदम खुली हुई है, तीन तीन गाड़ियां एक साथ क्रॉस हो जाती हैं। पर व्यवसायीकरण के दृष्टिकोण से अपने निजी फायदे के लिए समदरिया बिल्डर को वहां पर जगह देने के लिए ये कृत्य किया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वो 80 दुकानदार ने उस समय दुकान ली थी जब लोगों के पास पैसा नहीं था। अब 12-12 हज़ार रुपये में दुकानें दी गई थी, 8-8 हज़ार रुपये फाइनेंस कराया गया था। उस जमाने की दुकानें हैं वो, 80x80 की दुकानें बनाकर छोटे व्यवसायियों को का व्यवसाय बढ़ाने के लिए दी गई थी। जब वो दुकानें चलने लगी तो समदरिया बिल्डर को कि ये जब देना है तो उसके लिए ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। एक बार तो लीज खत्म हो चुकी ना उनकी, एक बार तो 2042 तक के रिन्यूअल है उनकी लीज। इस बार उनका व्यवसाय इस बार चौपट हो रहा है इस फ्लाईओवर निर्माण। मैं बता तो रहा हूँ ना, ये इसीलिए ये एक साजिश होती है।